सो वेलकम बैक एवरीवन। माय नेम इज साइन गोस्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहां पे हम स्टडी करने वाले कल के दिन, दैट इज ऑन थर्सडे, वीकली एक्सपायरी को हम निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें अच्छा खासा मोमेंटम हमें इंट्राडे में मिल सकता है, और हम आज के स्टॉक भी डिस्कस कर लेंगे कि वहां पे आज हमें कितना रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिला और कहाँ पे हमारा एंट्री वहां पे था। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी देख सकते हैं यहाँ पे, अगर डेली टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करें, बैंक निफ्टी एक टाइप ऑफ डोजी नहीं तो स्पिनिंग टॉप कैंडल इसको बोल सकते हो। तो हम देख सकते हैं अपसाइड से यहाँ पे सेलर्स एंट्री करने का कोशिश कर रहे हैं। दैट मींस क्या मार्केट नीचे आ सकता है? हाँ, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आ सकता है क्योंकि सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, बट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लेवल्स ब्रेक डाउन का। कौन सा लेवल ध्यान से देखते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं यहाँ पे। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें, 45,000 लेवल इज ट्रेडिंग एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। आज मार्केट ओपन कहाँ हुआ, 45,197 यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ था, खुलते ऊपर गया फिर नीचे आया, टोटल वॉलेटाइल मार्केट हुआ, लास्ट में मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे क्लोजिंग गिर गया। देख सकते हैं ये लेवल बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये सपोर्ट का काम कर रहा था, ना मार्केट ऊपर गया ना मार्केट नीचे गया। और आपको मैंने सुबह ही बोल दिया था कि आपको ट्रेडिंग कब करना है। 2 दिन पहले मुझे कमेंट आया था यूट्यूब में, सर आप लेवल नहीं बताते हो, आप जब हम मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए, जब हमें ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, मार्केट मोमेंटम में ट्रेडिंग करना चाहिए, तो भाई मैं हमेशा ही बोलता हूँ किस लेवल के ऊपर आपको बाय करना है, किस लेवल के नीचे सेल करना है, ये तो मैं ऑलरेडी बता के रखता हूँ। अगर आप वो ना सुन के अब ये जानना चाहते हो कि सर छोटे छोटे मूवमेंट कैप्चर कराओ, भाई वो मैं नहीं कराने वाला, वो मैं मूवमेंट नहीं कैप्चर करूंगा। मेरा काम एक ही है, आपको बताना कि कौन से लेवल के ऊपर मैसिव मोमेंटम आ सकता है, कौन से लेवल के नीचे मैसिव मोमेंटम आ सकता है। जैसे कल ही बताया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मोमेंटम आएगा, और वही हुआ। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से मेरा वीडियो सुनते हो प्लस टेलीग्राम में जो मैं वीडियोस देता हूँ उनको ध्यान से सुनते हो तो बिगर लॉस से बच सकते हो। साथ ही साथ आज मैंने टेलीग्राम में पूछा था कि हाउ इज योर डे टिल नाउ, 3:13 मैंने पूछा, तो काफी लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बताया। अप्रोक्स 193 वोट्स यहाँ पे आए हैं, तो मैक्सिमम लोगों ने बताया सर प्रॉफिट हुआ 75 वोट आसपास मिला। लॉस भी आज कुछ ज्यादा है, 60% 60 यहाँ पे है लॉस, मतलब 32% लॉस है, और 29% बोल रहे हैं कि सर आज कोई ट्रेड हमने लिया नहीं, आज कोई सेटअप बना नहीं। तो ऑब्वियसली आज कोई सेटअप था ही नहीं ट्रेड लेने का। मैंने आपको बताया था कि अगर ये 45,400 के ऊपर सस्टेन करता है तब जाके बाय, और 45 के नीचे सेल, अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लेना, जो ऑप्शन सेलर का दिन होगा वही हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो जब बोलता हूँ तो ध्यान से सुना करो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब कल का मार्केट देखेंगे। अगेन मुझे लग रहा है कल का मार्केट भी कहीं ना कहीं साइडवेज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट इसके लिए अगेन लेवल डिफाइन करना है। तो अपसाइड में लेवल हमें डिफाइन है, अपसाइड में लेवल आपका 45,400 लेवल। जब तक मार्केट इसके नीचे है और जब तक 45,000 के ऊपर मार्केट है तब तक मार्केट टोटल साइडवेज जाएगा, तो बेटर अवॉइड ट्रेडिंग इन दिस रेंज। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो टोटल अवॉइड करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि अगर गैप ओपनिंग होता है, देखो कहीं ना कहीं अगर मार्केट राउंड अबाउट यहाँ पे ओपन होता है, इस लेवल के आसपास ओपन होता है, तो एकदम आंख बंद करके हम सेलिंग का प्लानिंग कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं खुला तो यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिए, वैसे नहीं करना। अगर ओपन होता है वेट एंड वॉच करो, फर्स्ट कैंडल देखो, उसका अगर लो ब्रेक होता है तो सेलिंग करोगे। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर आप सेल करते हो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका टारगेट हो जाएगा और रिस्क कुछ ज्यादा बड़ा होगा, तो बेटर अवॉइड भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप स्कैल्पर हो, छोटा छोटा मूव कैप्चर करना चाहते हो, तो थोड़ा सा आपको सेलिंग मिल जाएगा विद इन 1 or 2 कैंडल, 2 मिनट के या 3 मिनट का कैंडल मूवमेंट मिल जाएगा, नहीं तो 15 और 5 मिनट में अगेन मार्केट साइडवेज रहेगा। तो बेटर अगर मार्केट गैप अप भी होता है, वेट करेंगे अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भागे, सपोर्ट लेके ऊपर भागे, 45,400 को अपसाइड ब्रेक करे, देन ओनली वी कैन गो फॉर अ बाई साइड ट्रेड। ये हो गया गैप अप का सीन। अगर हम देखा कि मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो रहा है, ये है अपसाइड में 45,200, नीचे है 45,000, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो रहा है, अवॉइड ट्रेडिंग, वेट एंड वॉच। अपसाइड में 200 को ब्रेक करने देना प्रॉपरली, मैक्सिमम टारगेट आपका 100 to 150 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है यहाँ तक, फिर मार्केट यहाँ पे फंस जाएगा क्योंकि बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं 45,400 के आसपास। वहीं पे अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर हमने देखा कि 45,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, 45,000 यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है, देन ओनली वी कैन गो फॉर सेल साइड ट्रेड। 100 to 200 पॉइंट का मोमेंटम आने का चांसेस है नीचे की तरफ, तो बहुत अच्छा फॉलो मिलेगा। अगर आप पैटर्न भी ध्यान से देखें, कुछ नेगेटिव पैटर्न फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो रहा है, तो अगर नेकलाइन ब्रेक होता है तो मार्केट में मोमेंटम जरूर आएगा। आई होप यहाँ पे समझ आया।
अब देखते हैं कि सर अगर गैप डाउन ओपन होगी तो क्या करना है। देखो अगर कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हो रहा है 45,000 के थोड़ा सा ऊपर, 45,020, 45,030 यहाँ पे ओपन होता है, वेट एंड वॉच करेंगे कि मार्केट लो ब्रेक करे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करने वाला कि जब तक रेंज के अंदर है मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा, एस एन ऑप्शन बाय टोटल अवॉइड करूंगा। बट अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करता है, जो भी कैंडल बना गैप डाउन के बाद उसका लो ब्रेक करता है, तब जाके यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नीचे की तरफ ओपन टारगेट होगा 44,900, 44,800। ओके आई होप यहाँ तक प्लानिंग क्लियर हो गया। अब क्विकली देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है, निफ्टी आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया निफ्टी में। यहाँ पे देखो अगेन आपको मैंने हाई बता दिया था कल के दिन में, ये हाई है और यहाँ पे एक सपोर्ट है, जब तक ये रेंज ब्रेक ना कोई ट्रेड नहीं करना। तो आज का दिन भी नो ट्रेड जोन में था, आपको अवॉइड करने के लिए बोला था मैंने। आज ऑप्शन सेलर्स का बहुत अच्छा दिन था, कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर हमने भी किया था तो, और लाइव मार्केट में हमने देखा था। तो यहाँ पे जब मार्केट फॉल है तो थोड़ी देर पहले ही हमने प्रॉफिट बुक कर लिया और कटते ही मार्केट उसके बाद फॉल आया और लास्ट में मोमेंटम तो दे दिया। अब कल के दिन क्या प्लानिंग करना है, अगेन कल के दिन हम वेट करेंगे 19,450 का अपसाइड में अप्रोक्स यहाँ पे है, डाउन साइड में 19,300 का वेट करेंगे अप्रोक्स यहाँ पे। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि इसका लो ब्रेक करो नीचे आओगे, देखो प्रॉपर हम 300 का वेट करेंगे, 300 यहाँ पे कहीं पे अप्रोक्स यहाँ पे, ठीक है। तो 450 300 का वेट करेंगे, अगर ये रेंज ब्रेक होता तभी हम ऑप्शन बाइंग का सोचेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे। देखो अब हम देखते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता, कहीं ना कहीं अगर मार्केट डायरेक्ट ओपन हो रहा है 19,460 के आसपास, 19,450 के आसपास अगर ओपन होता है, सिंपल आपको वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट नीचे आए, टाइम पास करे, फिर अगर बुलिश मोमेंटम दिखाता है तब जाके बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। ओपन टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे, मिनिमम 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेने का कोशिश करेंगे, राइट। ये बाइंग साइड में अगर हम देखा कि मार्केट ना ज्यादा गैप अप ना ज्यादा गैप डाउन, कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर ओपन हो रहा है, कोई ट्रेड लेना है क्या, नहीं लेना है, वेट करेंगे कि रेंज ब्रेकआउट हो। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद रेंज ब्रेक करता है, ये हाई ब्रेक कर देता है प्रॉपरली 19,440-450 के ऊपर जाता है, देन ओनली वी कैन गो फॉर अ बाय साइड ट्रेड, नहीं तो इसमें अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग। सेम डाउन साइड में अगर मार्केट साइडवेज से नीचे की तरफ ब्रेक करता है, सर क्या ये लो ब्रेक करने से ट्रेड लोगे, आप लेते ही आपका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। अगर आप सोचते हो कि इसके नीचे कैंडल सस्टेन करेगा, एक पुट का ट्रेड लोगे, मार्केट एक कैंडल नीचे देगा अगले कैंडल ऊपर भाग जाएगा, तो बेटर अवॉइड। हम अगेन वेट करेंगे प्रॉपरली 19,300 लेवल इसके नीचे सस्टेन करे, देन ओनली वी कैन गो फॉर सेल साइड ट्रेड, नहीं तो नो ट्रेड। चलो अब देखते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास, तब क्या करना है। मुझे डाइसी लग रहा है, बेस्ट है डाइसी इन द सेंस मुझे कंफ्यूजिंग मार्केट लग रहा है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है यहीं पे रेजिस्टेंस है यहीं पे सपोर्ट है तो अगेन साइडवेज जाएगा, तो फिर मैं ट्रेडिंग यहाँ पे निफ्टी में अगर बात करूँ, निफ्टी में मैक्सिमम सिनेरियो की ट्रेड अवॉइड करो एस एन ऑप्शन बायर। और हाँ मैसिव मूवमेंट तभी आएगा अगर मार्केट डायरेक्ट 19,300 में नीचे ओपन हो, या तो यहाँ पे ओपन हो तब कोई मूवमेंटम आ सकता है, या तो यहाँ पे ओपन हो तब मोमेंटम आ सकता है। साइडवेज ओपनिंग में कोई ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ पे, अवॉइड कर जाएंगे कल के दिन में, ठीक है। और कल एक्सपायरी है, प्लीज आईटीएम ट्रेड मत करना, चांसेस आर देयर कि आप लॉस भी कर सकते हो वहां पे, ओके। चलो अब कुछ स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक में जाने से पहले अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो वीडियो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली बेसिस हम लोग आपके लिए वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे आपको कहीं ना कुछ हेल्प तो जरूर मिलता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एवरीडे यहाँ पर भी प्रॉपर हेल्प आपको दिया जाता है। आप देख सकते हो 9:30-9:35 के आसपास आपको दो वीडियोस एवरीडे मिलता है, मॉर्निंग इंडेक्स एनालिसिस कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करोगे, स्टॉक एनालिसिस जो स्टॉक हम यहाँ पे देते हैं यूट्यूब में उसमें कैसा ट्रेड प्लान हो सकता है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले स्टॉक्स के बारे में जो हमने कल दिया था और उसमें कैसे मोमेंटम देखने को मिला। तो सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे ऑरोबिंदो फार्मा था, जैसे मैंने आपको बताया कि इस लेवल के ऊपर हम बाइंग करेंगे, सुबह आपको बता ही दिया गया था यहाँ पे 719-720 के ऊपर बाइंग हो सकता है, कीपिंग स्टॉप लॉस ये फाइनल देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड हमें यहाँ देखने को मिला। अगर हम थोड़ा सा ट्रेलिंग भी करते हैं, अगर हम स्टॉप लॉस ट्रेल भी करते हैं तो ऑलमोस्ट 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड भी यहाँ पे हमें देखने को मिला है, ठीक है। अगर आपने ट्रेड लिया औरबिंदो फार्मा में, क्योंकि लाइव मार्केट में जब हम थे तो हमारे कई सारे स्टूडेंट इसमें ऑलरेडी ट्रेड ले चुके थे, उन्होंने प्रॉफिट भी किया था। आप लोग मुझे कमेंट बताना कि इन पर्टिकुलर स्टॉक में आपने ट्रेड लिया कि नहीं लिया। नेक्स्ट स्टॉक था टाटा मोटर्स, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर ये 589 या 590 के नीचे आता है तो सेलिंग पैटर्न देख सकते हैं। तो देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, देखो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर लो ब्रेक करा, तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ भी एंट्री लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा बैठता,
1-1.5 रुपए के आसपास, और उसके अगेंस्ट देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 रुपीज का हमें मोमेंटम देखने को मिला, 1:3.86 का यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड मिला। और क्या चाहिए, जो स्टॉक यहाँ पे दिया जाता है मैक्सिमम स्टॉक में मोमेंटम आता है, कुछ कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो मिस हो जाते हैं, जरूरत नहीं है, जो ट्रेड हमें मिल रहा है उसमें आराम से पैसा कमाएंगे, राइट। एवरी डे कुछ ना कुछ स्टॉक जरूर मूव करता है, तो प्लीज स्टॉक को ध्यान से एनालिसिस कीजिए, जो हम दे रहे हैं उनको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए, राइट। चलो अब देखते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक है। तो सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे हमने रखा है दैट इज TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसको रखने का रीजन क्या, पहले ध्यान से देखें यहाँ पे क्या चल रहा है। ये पर्टिकुलर स्टॉक स्लो एंड स्टडी अप ट्रेंड में जाने का कोशिश कर रहा है, राइट। इसने अगर यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं, आज स्टॉक ने अच्छी तरह से साइडवेज गया, प्रॉपर आया इसको रिट्रेस करने, अब हाई में इसको क्लोज दिया, बट कल के दिन हमें यहाँ पे बस वेट करना है कि प्रॉपरली 3327, ओके 3327 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है, मतलब अप्रोक्स हाई के ऊपर, देन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर हमें सेलिंग करना है, सेलिंग के लिए हम वेट करेंगे प्रॉपरली 3305 के नीचे, 3305, अगर 3305 के नीचे स्टॉक सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो पहला स्टॉक है हमारा TCS, बाइंग और सेलिंग लेवल आपको बता दिया गया है, इसके ऊपर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है, इसके नीचे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, राइट। अगला स्टॉक जो हम अपने वॉच लिस्ट में रखा है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBIN। बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया, आज ज्यादा कोई मोमेंटम नहीं दिया, तो देर इज अ हायर सिनेरियो, कल अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। तो अपसाइड में हम वेट करेंगे 595 लेवल अप्रोक्स यहाँ पे, तो कल अगर हमने देखा कि मार्केट 595 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो डेफिनेटली बाय एंट्री यहाँ पे बन सकता है, और डाउन साइड में 586 लेवल अप्रोक्स यहाँ पे कहीं पे अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है देन यहाँ पे हम सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो 595 के ऊपर बाइंग, 586 के नीचे सेलिंग, ठीक है। लास्ट स्टॉक बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे जो स्टडी करेंगे दैट इज कोटैक बैंक। दो दो बैंकिंग स्टॉक यहाँ पे हो गए। कोटैक बैंक का रीजन देखिए, ये भी कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, मार्केट ने आज ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेट किया है, तो देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि अगर कल ये स्टॉक 1868 या 1869 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। कोई भी पैटर्न मिल जाए 5 मिनट या 15 मिनट में हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, कीपिंग रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 या मिनिमम 1:1। अब हर एक स्टॉक में जिससे पहले जो स्टॉक स्टडी किए वहां पर भी सेम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 नहीं तो 1:2 मिनिमम हम रखने का कोशिश करेंगे। अच्छा सर, इसमें सेलिंग कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा अगर मार्केट इस लो के नीचे आता है, दिस इज अराउंड 1853। अगर हम देखा कि स्टॉक 1853 के नीचे सस्टेन कर रहा है देन ओनली वी कैन गो फॉर सेल साइड ट्रेड, और इसके अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो बाई साइड। प्लीज इस रेंज के अंदर कोई भी ट्रेड मत लेना, मार्केट साइडवेज होने का चांसेस रहेगा। अगर आपको प्रॉपर ट्रेड करना है विद प्रॉपर रूल्स, तो रूल्स मैंने बता दिया कौन से लेवल के ऊपर बाइंग, कौन से लेवल के नीचे सेलिंग, अंदर कोई ट्रेड नहीं लेना है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। अगर आपको स्टॉक अच्छा लग रहा है, हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो भी के भी, ठीक है, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि है इन फ्यूचर आपके लिए और भी कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊं, कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक प्रेजेंट करूं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक यू।